संसार कहां बढ़ रहा है? बाइबल के अनुसार संसार मनुष्य को महिमा देने के लिए नहीं बढ़ रहा है, संसार आगे बढ़ रहा है उस दिशा में जहां पर परमेश्वर की महिमा और ज्यादा प्रकट होती जाएगी और आने वाले दिनों में सिद्ध तरीके से प्रकट होगी। इफिसियो अध्याय दो, चलिए वचन चार से वचन दस तक यहां पर पढ़ते हैं। इफिसियो अध्याय दो वचन चार से वचन दस तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह में हम पर हैं आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। मसीह यीशु के द्वारा परंतु विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। दो हफ्ते पहले हमने यहां अनुग्रह विषय पर सिखाना शुरू किया और मैंने आपको बताया कि अनुग्रह शब्द का मतलब क्या है। अनुग्रह पुराने नियम में कृपा है। अनुग्रह शब्द वहां पर अक्सर नहीं दिखता है, लेकिन अक्सर वहां पर कृपा शब्द दिखता है, और ये तो अनुग्रह के जैसे ही है। अनुग्रह कृपा है और कृपा ही अनुग्रह है। अनुग्रह को समझने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी मदद यह है कि हमने अनुग्रह से ही उद्धार पाया है, यानी उद्धार सबसे अच्छा उदाहरण बन जाता है कि हम समझ सके कि अनुग्रह क्या है। अगर आपको अनुग्रह समझना है तो यहां वहां देखने की जरूरत नहीं, केवल अपने उद्धार को देखिए, यह सबसे अच्छा उदाहरण है। तो हमें वचनों में बहुत सी जानकारी दी गई है कि उद्धार तो अनुग्रह के द्वारा हुआ है, और पिछले हफ्ते मैंने आपको बताना शुरू किया कि उद्धार के लिए क्या मकसद है, प्रभु ने मनुष्य को क्यों उद्धार दिया। मैंने आपको तीन उद्देश्य वहां पर बताए थे और हमने तीसरा देखा था और उसके बारे में पांच मिनट मैंने आपको बताया। तो आज मैं इस तीसरे उद्देश्य पर पूरा संदेश देना चाहता हूं। तीसरा उद्देश्य सबसे महान उद्देश्य है, या सबसे महान उद्देश्य कह सकते हैं। पहले दो उद्देश्य जो हैं
वो इस महान उद्देश्य की ओर लेकर आती हैं, तीसरे की ओर, यानी सबसे महान उद्देश्य है। और उद्धार के लिए सबसे महान उद्देश्य तो बस यही है कि परमेश्वर चाहता है कि उसका अनुग्रह प्रकट हो और सब लोग उसे जाने अनुग्रह के काम के द्वारा, और इसलिए वो अनुग्रह से उद्धार देता है, इसलिए कि ये बता सके और लोगों को समझा सके कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। अनुग्रह परमेश्वर की प्रेमी करुणा है, उसका प्रेम है, उसका असीमित अमाप और अगणित प्रेम। परमेश्वर कितना प्रेम करता है, परमेश्वर कितना प्रेम करता है उससे जो कि योग्य नहीं है, जो अयोग्य है, पापी से। ये कृपा क्या है जिसके हम योग्य नहीं थे, परमेश्वर ये कितना दे सकता है और ये कैसे काम करता है, ये उद्धार में देख सकते हैं। यानी परमेश्वर महान उद्देश्य के लिए उद्धार देता है कि उसका अनुग्रह ये संसार जो है वो जानने वाला हो। ये वचन 7 में बताया गया है, इस वचन में जो हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पर उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट बताया गया है। यहाँ पर ये कहता है कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। इसके पहले बताता है कैसे परमेश्वर ने उसके साथ हमें जिलाया। और अगर आप इसके भी थोड़ा पहले देखें, वचन 1 से मनुष्य के पाप के बारे में कहता है, उसकी पाप में दशा और कैसे परमेश्वर ने उस पर दया की और कैसे महान प्रेम से उससे प्रेम किया और वो उसे मरी हुई आत्मिक दशा से जीवित करता है और उसे मसीह के साथ में जिलाता है और उसे मसीह के साथ में बैठाता है स्वर्गीय स्थानों में, इसलिए कि आने वाले समयों में वो अपनी उस कृपा से जो मसीह में हम पर हैं आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। अच्छे से बताया है, मतलब अच्छे से समझ सकते हैं, उसके असीम महिमा का धन जाना जाए। ये परमेश्वर का सबसे मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है। यही उद्देश्य आज सारी बातों के ऊपर इतना अधिकार रखता है कि आकाश और पृथ्वी और स्वर्ग की सारी बातें पूरी रीति से इन्हीं बातों के लिए योगदान देती हैं। ये परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर ये चाहता है कि उसका अनुग्रह जाना जाए। यानी अनुग्रह तो ऐसा कुछ है, परमेश्वर चाहता है कि इसे जाना जाए, इसलिए वो मनुष्य को उद्धार देता है। तो अनुग्रह सच में अद्भुत होगा, ये तो सच में कुछ असाधारण होगा। अगर परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट करने के लिए मनुष्य को उद्धार देता है, अगर उद्धार में यही उसका मुख्य उद्देश्य है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अनुग्रह के बारे में ऐसा कुछ है जो हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर यही तो प्रकट कर रहा है उद्धार के द्वारा। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे अनुग्रह का समय कहा जाता है या अनुग्रह का युग कहा जाता है। यीशु की मृत्यु के बाद से उसके दूसरे आगमन तक ये जो समय है इसे अनुग्रह का समय या अनुग्रह का युग कहते हैं। ये अनुग्रह का समय है, ये वो समय जहां पर मनुष्य यीशु के पास में आकर उद्धार पा सकते हैं। अभी उनके लिए उद्धार उपलब्ध है, परमेश्वर का अनुग्रह अभी खुला है, ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। यानी ये जो अनुग्रह का युग है, ये केवल इसीलिए लाया गया, इसी उद्देश्य के लिए लाया गया कि परमेश्वर का अनुग्रह जाना जाए, परमेश्वर की प्रेमी करुणा समझी जाए हर एक के द्वारा जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है, जिसमें देखकर समझने की योग्यता होती है। हर एक व्यक्ति को निश्चय ही देखना होगा परमेश्वर की भलाई को, उसके अनुग्रह को और उसकी प्रेमी करुणा को इस अनुग्रह के समय में। और इसीलिए ये अनुग्रह का युग आ गया है, ये अनुग्रह का समय तो अनुग्रह के लिए है जिसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह जाना जाए। संसार इसे नहीं समझता है, संसार सोचता है कि सारी चीजें बस ऐसी ही आगे बढ़ रही है किसी निश्चित अंत की ओर, और कोई भी असली निश्चित ऐसी परिभाषा नहीं है। ऐसे ही अकस्मात ये हो रहा है और ये ऐसे ही होता है बाई चांस। और बाई चांस शब्द का हम अपनी भाषा में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ बिना किसी उद्देश्य से होता है, यानी यह ऐसे ही अनजाने अंत की ओर आगे बढ़ रहा है, हम नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। यहां पर इन सारी बातों का बिना उद्देश्य का चलन होता है और सब कुछ बिना उद्देश्य से हो रहा है। और कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि सब कुछ आगे बढ़ रहा है किसी न किसी तरह से मनुष्य को महिमा देने के लिए ही, कि अंत में किसी तरह से मनुष्य इतनी ज्यादा महिमा पाएगा कि अंत में मनुष्य की महिमा प्रकट होगी, मनुष्य बुद्धिमत्ता में इतना बढ़ते चला जाएगा, अपनी परंपरा में, उत्तमता में, समझ में और बुद्धि में इतना बढ़ेगा कि अंत में लोग मनुष्य को देखकर कहेंगे वाह, जानते हैं ये सच में कितना अद्भुत ऐसा व्यक्ति है, महिमामय है, अद्भुत है। वो कहते हैं ये इसी के लिए आगे बढ़ रहा है। पहले विश्व युद्ध के पहले वो इसे बहुत ज्यादा कहते थे
वो कहते थे मनुष्य बहुत ही आगे बढ़ती जा रहा है, ये बहुत पढ़ रहा है, और अभी कारखाने शुरू हुए, बिजली आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है, कार आ चुकी हैं, हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत से एडवांसमेंट हुए हैं, दवाइयाँ हैं, लोगों की उम्र बढ़ती जाएगी, ये और बुद्धिमान होते जाएंगे और ज़्यादा बातों को जानते जाएंगे और वो अच्छे जीवन को जिएंगे, अभी युद्ध करते नहीं रहेंगे क्योंकि वो तो पहले से भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। और इस तरह से लोग संसार को देखते थे, उन्होंने सोचा कि ये आगे बढ़ रहा है किसी तरह से मनुष्य को महिमा देने के लिए। पहले विश्व युद्ध के पहले बहुत से लोगों ने ये लिखा है, और फिर पहला विश्व युद्ध हुआ और वो बहुत ही आधुनिक ऐसा युद्ध था, वहाँ पर टैंक्स और बंदूकें थी जो पहले नहीं थी, जो अभी तेज़ी से मनुष्यों को मार सकती थी और सबको नाश कर सकती बहुत ही जल्दी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अभी इसके बारे में बातें नहीं करते जाएंगे, मनुष्य अभी आगे नहीं बढ़ रहा है उस महिमा की ओर, वो अपने आप को नाश कर रहा है टेक्नोलॉजी में इतनी आधुनिकता आने के कारण। और फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ और फिर आप जानते हैं सब कुछ बुरा होती गया। अभी तो और भी आधुनिक हथियार हैं, हमने सीखा कैसे जल्दी से मारे और ज़्यादा लोगों को मारते जाएं। अभी युद्ध ज़मीन पर नहीं होते हैं, लेकिन अभी तो वो आसमान में होते रहते हैं, वो बस आसमान से आकर बमबारी करते हैं, जानते हैं। और अभी तो आपके सिर से उड़ने वाले हवाई जहाज़ में इंसान भी बैठे नहीं हैं, वो बस उड़कर आते हैं, बमबारी करके चले जाते। यानी युद्ध अभी मनुष्यों के बिना भी लड़े जा सकते हैं, वो उपयोग करते हैं जैसे कि ड्रोन और ऐसे ही दूसरे बहुत से साधन का। यानी हमने उन्नति की है, ज्ञान बढ़ा है, मनुष्य बेहतर हो गए हैं, लेकिन किस में बेहतर हो गए हैं? एक दूसरे से लड़ने में, एक दूसरे को मारने में और एक दूसरे को नाश करने में, इन बातों में। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, तो हम वापस उसमें जाते हैं, संसार कहाँ बढ़ रहा है। बाइबल के अनुसार संसार मनुष्य को महिमा देने के लिए नहीं बढ़ रहा है, संसार आगे बढ़ रहा है उस दिशा में जहाँ पर परमेश्वर की महिमा और ज़्यादा प्रकट होती जाएगी और आने वाले दिनों में सिद्ध तरीके से प्रकट होगी। ये उसकी ओर आगे बढ़ रही है, मनुष्य इसे देखेंगे, पृथ्वी पर के सभी लोग इसे देखेंगे, दुष्ट आत्माएं, स्वर्गदूत और हर जगह के लोग देखेंगे, वो देखते चले जाएंगे परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की अगम्य बुद्धि को, मनुष्य जाति के उद्धार के द्वारा वो इसे देखते जाएंगे। संसार इसी की ओर आगे बढ़ रहा है और पौलुस कहता है मुझे यही प्रचार के लिए बुलाया गया है। अब मेरे साथ में देखिए एफिसियों अध्याय 3 इस वचन में, जिसे हमने पिछले हफ्ते बहुत ही थोड़ा सा देखा, बस आखिरी कुछ मिनटों में मैं आज इस पर गौर करना चाहता हूँ। एफिसियों अध्याय 3 और चलिए यहाँ पर वचन 8 से पढ़ते हैं। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। इफिसियों की पत्री इसी के बारे में है, वो परमेश्वर के अगम्य अनुग्रह के धन के बारे में कह रहा है। मैं मसीह के अगम्य धन के बारे में बताना चाहता हूँ और इसीलिए मुझ पर ये अनुग्रह हुआ, वो कहता है, प्रेरित के रूप में मुझे सुसमाचार के सच्चाई का प्रकाशन दिया गया है और मुझे बुलाया गया और प्रचार के लिए भेजा गया है परमेश्वर के अनुग्रह के इस अगम्य धन के बारे में। और फिर ये कहता है कि सब पर यह बात प्रकाशित करूँ कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, जिसने सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाया है। तो वो चाहता है कि सभी मनुष्य देखे, उसे प्रेरित के रूप में भेजा गया ताकि सभी मनुष्य देख सके कि ये भेद क्या है जो सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, जिसने सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाया। यानी ये भेद था जो छिपा था लेकिन अब प्रकट किया गया, वो उस भेद के प्रचार के काम में जुड़ा था जिसे अभी प्रकट किया गया है। ये यीशु मसीह के बारे में भेद है। अब इस मकसद के लिए, इन सब के पीछे क्या मकसद था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गस्थानों में है, प्रकट किया जाए। अब वो कहता है कि ये सब प्रचार करने में मकसद क्या है, मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाने में मकसद क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उस भेद को जो छिपा था उसे प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया गया। वो कहता है मकसद क्या है, इसलिए कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, उन पर प्रकट किया जाए। अब देखिए इस समय में, इस युग में, अब ये शब्द यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप इसे देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, हर शब्द महत्वपूर्ण होता है। ताकि अब वो कहता है, देखिए यहां पर वो भविष्य के बारे में नहीं कहता कि परमेश्वर का अनुग्रह उसकी महिमा प्रकट होगी, वो कह रहा है कि अभी क्या होना चाहिए। वो कलीसिया के युग के लिए कहता है, वो चर्च के युग के बारे में कह रहा है,
ये समय जिसमें हम जी रहे हैं मसीह की मृत्यु और उसके दूसरे आगमन के बीच में, वो कहता है कि अब सब लोग कहिए अब क्या होना चाहिए। वो कहता है कि अब प्रधानताएं और अधिकारियों के ऊपर में, ये प्रधानताएं और अधिकारी कौन है, ये यहाँ पर वो संसार के प्रधानों के बारे में नहीं कहता है। देखिए, प्रधानताएं और अधिकार ये ऐसा शब्द है जिसका अक्सर उपयोग किया जाता है दुष्टात्मा की सामर्थ के लिए और साथ साथ में परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों के लिए भी। दो तरह के स्वर्गदूत हैं, एक परमेश्वर के साथ में और दूसरे जिन्होंने उसका इनकार किया। परमेश्वर ने उनका इनकार किया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया, ठीक है, यानी पवित्र स्वर्गदूत और बुरी दुष्टात्माएं कह सकते हैं। प्रधानताएं और अधिकारी, ये जो शब्द नए नियम में आया है, अक्सर ये तो इन्हीं के बारे में कहते जाता है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों, उन पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, प्रकट किया जाए। परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, हाँ, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, यानि परमेश्वर चाहता था कि इन चीजों को वो सब पर प्रकट करे, यानि स्वर्गीय स्थानों पर जो प्रधानताएं अधिकारी हैं उन पर वो क्या चाहता है कि जाना जाए, वो क्या चाहता है कि वो क्या जाने। चर्च तो उनके लिए प्रकाशन का स्रोत है, वो चाहता है कि वो जाने परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, हाँ, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान। अब मैं आपको पिछले हफ्ते यही तो बताना चाह रहा था। अब ये कौन सी बातें हैं जो स्वर्गदूतों को यहां पर जानना चाहिए था, और वचन 9 कहता है कि सब लोग जान ले, यानी एक साथ इसे जोड़े तो वो चाहता है कि सब मनुष्य देखे और जाने, वो चाहता है कि सारे प्रधानताएं और सामर्थ भी देखे, जो कि स्वर्गदूतों की सामर्थ है वो देखे और जाने, यानी मनुष्य और स्वर्गदूत, यानी ये सभी जो लोग हैं आप कह सकते हैं। पौलुस चाहता है और परमेश्वर चाहता है सभी बुद्धिमत्ता के व्यक्ति, यानी कहिए स्वर्गदूत, दुष्टात्माएं, मनुष्य, ये सब कुछ जान ले, परमेश्वर के अनुग्रह को जाने और परमेश्वर के अनुग्रह को समझे जो उद्धार के द्वारा प्रकट किया गया है। वो कैसे इसे बताता है, अब उदाहरण के लिए अच्छे स्वर्गदूतों को लीजिए, यहां तक कि परमेश्वर के अच्छे स्वर्गदूत जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सेवा करते हैं, वो कई बार नहीं जानते कि क्या हो रहा है। पिछले हफ्ते मैंने बताया कैसे वो परमेश्वर के साथ थे जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उन्होंने प्रभु के अद्भुत कामों को देखा, उन्होंने देखा कैसे उसने एक शब्द कहा कि ज्योति हो जाए और वो बनाई गई, जो कुछ भी उसने कहा वो अस्तित्व में आया, ये देखना तो अद्भुत बात होगी। इसे देखकर उन्होंने आनंद उठाया, परमेश्वर की सामर्थ के प्रकटीकरण को देखकर आनंद उठाया कि वो बस कहता और सब अस्तित्व में आता। और फिर हम देखते हैं कि पूरे इतिहास में, पूरे पुराने नियम में, इसराइल के लोगों के सामने स्वर्गदूत कई बार प्रकट होते हैं, और उसके पहले भी आप देखते हैं स्वर्गदूत कई बार प्रकट हुए, परमेश्वर के लोगों के सामने संदेश लेकर आए कि उनसे बातें करें, उन्हें बताएं और उन्हें खबर दे। वो अक्सर इसी तरह के काम में जुड़े हुए थे, यानी हमेशा स्वर्गदूत जो है मनुष्यों की बातों में जुड़े थे, और कई बार तो वो युद्ध भी करते थे और परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं से वो निपटते रहे और ये सब, यानी स्वर्गदूत बहुत ही सक्रिय रूप में जुड़े थे परमेश्वर के साथ में मनुष्यों के कामों में। और जब यीशु का जन्म होने वाला था तब एक स्वर्गदूत को भेजा गया पहले जकरिया के पास, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता था, और ये घोषित किया कि उसे एक बेटा होगा। वो काफी समय से बच्चे की राह देख रहे थे, वो बूढ़े हो चुके थे, ऐसे दिख रहा था अभी संतान के लिए कोई मौका ही नहीं है। और फिर स्वर्गदूत ने कहा कि उन्हें संतान होगी, आप ये कहानी जानते हैं। और वही स्वर्गदूत बाद में कुंवारी मरियम के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुझे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से वो छुड़ाएगा। जब स्वर्गदूत ने आकर ये सब घोषित किया, उसने घोषित किया क्योंकि परमेश्वर ने उसे घोषित करने के लिए कहा, वो इसे नहीं समझा। मैं नहीं सोचता कि वो एक बात को भी समझ पा रहा था। और स्वर्गदूत तो केवल स्वर्गदूत हैं, वो तो केवल दूत है, संदेश देते हैं, वो बस घोषित कर रहे थे, जो भी हो रहा था उसे वो समझ नहीं पा रहे थे, जो भी बताया गया वो बस आकर उसे यहां पर दोहराते थे, तुम्हें बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना, वो जगत का उद्धार करता होगा, और ये सब स्वर्गदूत ने कहा। और उसके बाद में देखिए, उस लड़की को बेटा हुआ और स्वर्गदूत ने उस बच्चे को देखा, उसने जाना ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का अनंत काल का पुत्र है, जो शुरू से ही वहां पर पिता के साथ में था, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का अनंत पुत्र। अब वो कुंवारी मरियम के गर्भ में आ जाता है
और वो यहाँ पर बतलहम में जन्म लेता है, इस संसार के छोटे से गांव में। स्वर्गदूत चौंक गए, वो इसे नहीं समझ पाए, वो नहीं जान पाए क्यों परमेश्वर का पुत्र ऐसे हो गया, क्यों उसने अपनी महिमा को ऐसी छोड़ दिया और मनुष्यत्व को, मनुष्य के शरीर को ले लिया, और वो क्यों इस तरह से मनुष्य के जीवन में आ गया है, वो क्यों जन्मा है, वो यहाँ पर क्यों है, नहीं समझ पाए। और वो बड़ा हुआ और कई बार उन्हें उसकी मदद भी करनी पड़ी, जैसे कि 40 दिन उसने उपवास किया और वो बहुत ही थक गया था, और उन्होंने आकर उसकी सेवकाई की बहुत से तरीके से, और फिर ऐसे दिखता था वो हमेशा उसके लिए काम करते थे, क्योंकि यीशु ने एक बार कहा कि मैं परमेश्वर से कहूं तो वो मेरे बचाव के लिए स्वर्गदूतों की सेना भेजेगा। ऐसा लगता है वो हमेशा उसकी मदद के लिए थे कि आकर उसकी मदद करे, उसकी सेवा करे। और फिर वो क्रूस पर लटका, उसे पकड़ा गया और उसे क्रूस पर मारा, कीले ठोके और उन्होंने उस पर थूका, उस पर हंसे, उसका मजाक उड़ाया, और ये सब कुछ उन्होंने किया। वो क्रूस पर लटक कर दुख उठा रहा था, मर रहा था। सच में वो कह रहा था, मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। और स्वर्गदूत तलवार निकाल कर थे, वो बस राह देख रहे थे कि परमेश्वर उन्हें बस इशारा करे कि वो रोमी सिपाहियों को खत्म कर दे। परमेश्वर को बस एक उंगली दिखानी थी तो हर एक रोमी सिपाही राख हो जाता था। वो बस राह देख रहे थे कि परमेश्वर अपनी एक उंगली उठाए और उन्हें जाने की आज्ञा दे दे कि यीशु मसीह के शत्रुओं को नाश कर दे और यीशु को क्रूस पर से नीचे उतारे। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और सच में उसने अपना चेहरा फेर दिया जबकि क्रूस पर से परमेश्वर का पुत्र पुकार रहा था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। परमेश्वर ने चेहरा फेर दिया। स्वर्गदूत चौंक गए कि क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र से ऐसा किया, इकलौते पुत्र को क्रूस पर ऐसे मरने दिया, क्यों वो उसे क्यों नहीं बचा रहा है, अपनी सामर्थ का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है, उसके शत्रु के विरुद्ध में उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं कर रहा है। वो नहीं समझ पाए। फिर यीशु क्रूस पर मरता है। स्वर्गदूतों को यह समझना बहुत ही मुश्किल था। वो जीवन का राजकुमार है, जीवन देने वाला है, वो जीवन का राजकुमार है, कोई उसे मार नहीं सकता था, वो मर नहीं सकता था, क्योंकि वो तो जीवन का कर्ता है। और यहाँ वो तो मरने के उद्देश्य के साथ में आया था, और इसलिए वो मनुष्य के स्वरूप को ले लेता है, शरीर धारण करता कि वो यहाँ पर शरीर में होकर मर सकता है, और कलवरी के क्रूस पर मरता है। उनकी आंखों के सामने ही वो अपनी आत्मा प्रभु को सौंप कर मर जाता है। शायद वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस संसार में क्या हो रहा है। और फिर 3 दिनों के बाद एक स्वर्गदूत को बताया कि कब्र का पत्थर लुढ़का दे, इसलिए नहीं कि यीशु बाहर आए लेकिन लोग भीतर जाए कि जाकर देखे। फिर एक स्वर्गदूत को वहां पर रखा गया कि यीशु जहां पर था वहां पर आने वाले हर एक व्यक्ति को बताए, और यहां पर स्वर्गदूत बस एक वॉचमैन जैसे था और वो गुफा के द्वार पर वहां पर बैठा था, सभी को बता रहा था वो यहां पर नहीं है। बस यही, उसे पता नहीं था क्या कर रहा है, वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, वो उसे समझ नहीं पाया परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा, वो बतलहम में क्यों जन्मा और उसने मनुष्य का शरीर क्यों ले लिया, और वो इस तरह का जीवन क्यों जिया, और वो इस तरह से क्यों मर गया, उसने इस तरह से दुख क्यों उठाया, और वो क्रूस पर क्यों मरा, उसे क्यों गाढ़ा गया, और परमेश्वर अभी तक कुछ क्यों नहीं कर रहा है, और अंत में परमेश्वर उसे मुर्दों से जिलाता है, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सबको बता रहा हूँ वो यहाँ पर नहीं है। स्वर्गदूत नहीं समझ पाए कि सच में क्या हो रहा है। और फिर अंत में यीशु स्वर्ग में उठाया जाता है, और उस समय में भी स्वर्गदूत आते हैं, और स्वर्गदूतों ने उन चेलों को देखा जो बस यीशु को उठाए जाते हुए देख रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं उस समय उनकी भावनाएं उस समय कैसी होगी। उन्होंने सोचा वो मर गया, सब खत्म हो गया, फिर वो जी उठा, उसे देखकर खुश हुए, उसे छुआ, महसूस किया, देखा और सारे संदेह दूर किए, ये तो वही है। वो जान गए यीशु जी उठा है, लेकिन अब वो उड़ रहा था, जानते हैं, और वो बस देख रहे थे कि यीशु उठाया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठने के लिए। और स्वर्गदूतों ने उनसे कहा जो देख रहे थे, स्वर्ग की ओर ताक रहे थे, वो जो तुम्हारे सामने से उठाया गया है वो वापस आएगा, जैसे तुमने उसे जाते देखा वैसे वो वापस आएगा। अब तुम यरूशलेम में जाओ और तुम राह देखो, तुम उसकी सामर्थ पाओगे, तुम उसके गवाह हो जाओगे और तुम उसके काम करो। तो स्वर्गदूतों ने ये सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अगर आप स्वर्गदूत से पूछे कि यीशु क्यों आया, यीशु क्यों जन्मा, वो क्यों मरा, वो फिर से क्यों जी उठा, पिता के दाहिनी ओर क्यों बैठा है, ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, उस पर कोई स्वर्गदूत संदेश प्रचार नहीं कर सकता। केवल AFT जैसे चर्च में ही ये प्रचार किया जाता है।
और इसलिए परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां बैठे होते हैं और हमें बड़े ध्यान से देखते हैं। पत्रस कहता है वो बड़ी दिलचस्पी के साथ में देखते हैं, चर्च में वो देखते जाते हैं। आज उनकी आंखें चर्च पर लगी हैं, वो सुन रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं बहुत स्पष्ट है और वो देख रहे हैं और वो इन शब्दों को सुन रहे हैं। केवल चर्च के प्रचार के द्वारा ही और चर्च को देखने के द्वारा ही वो समझ सकते हैं कि क्या हुआ यीशु के आने के कारण। जगत में बालक बन के आया और फिर वो क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर जी उठा और ये सब, क्योंकि वही तो हमारे प्रचार का मुख्य विषय होता है मसीही चर्च में। At the cross, where I first saw the light.